हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीपीडिया। और आज हम लोग नया टॉपिक इंसेक्ट के बारे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इंसेक्ट एंटेना एंड देयर मॉडिफिकेशंस के बारे में आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर होगा। सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ एंटेनी। तो एंटेनी इज़ अ पेयर ऑफ सेंसरी प्री ओरल अपेंडेजेस अराइजिंग फ्रॉम द सेकेंड एंटेनल सेक्शन ऑफ द टॉप ओइंग नर्व्स कमिंग फ्रॉम द ड्यूटोसेब्रम ऑफ द माइंड। सो ये हमारी एंटेना की डेफिनेशन थी। सो अब ये जो हमारी एंटेना होती हैं ये प्रॉपरली इवॉल्व रहती हैं एडल्ट्स में, बट पुअरली एडवांस्ड इन इमैच्योर स्टेजेस में। एंटेना आर एब्सेंट सो एज प्रोट्यूरा ऑर्डर में हमारी एंटेना एब्सेंट रहती हैं, एंड सोफिस्टिकेशन एरेक्निडा वाइल टू पेयर्स ऑफ एंटेना एंटेगोनिलेट्स are found in the class Crustacea. Okay. So these are stated to be uniramous, unbranched. Uniramous means unbranched, segmented and mobile systems, which might be basally constant into deep antennal socket, antifer. Antennal socket को हम antifer कहेंगे। ये antenal socket से हमारी antennae connected रहती हैं। Antenal socket is supplied with an antennal sacrum. अब antennae हमारी जो होती हैं वो 3 elements से consist होती हैं। अब 3 elements हमारे कौन कौन से हैं? Scape. First one is scape. It is the primary section of the antenna. ये प्राइमरी सेक्शन होता है, मीन्स हम कह सकते हैं ये बेसल पार्ट होता है एंटीना का। इट आर्टिकुलेट्स विद द Pinnacle tablet via antifer, which offers motion for the escape. Second हमारा होता है pedicel. Pedicel क्या है? It is the second or center phase of the antenna that paperwork a joint between scape and flagellum. It includes the unique auditory organ known as Johnston's organ. ये हमारा include इस जो हमारी antenal का हमारा दूसरा element है pedicel, इसमें ये हमारा जो है कंसिस्ट करता है ऑडिटरी ऑर्गन, और उस ऑडिटरी ऑर्गन को हम जॉन्स्टन ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा थर्ड एलिमेंट आता है, मींस थर्ड पार्ट आता है एंटीना का, फ्लैजेलम। इट इज़ द फाइनल एंटीनल फेज विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेगमेंट्स डेट वेरीज इन फॉर्म एंड साइज। आइए अब हम लोग जान लेते हैं फंक्शंस ऑफ एंटीना क्या है। So the main function of antennae is sensory, which is modified according to use and need of insects as given below. Main function antennae का होता है sensory, means किसी भी बाहर होने वाली functions को हमारा वो signals produce करने वाला means sensory होता है, ठीक। So पहला हमारा है organ of smell। Organ of smell की तरह work करता है हमारा antennae, जो कि हमारी example उसके हो सकते हैं honey bee में, ants में। फिर उसके बाद हमारा सेकंड आता है, सेकंड फंक्शन इसका होता है ऑर्गन ऑफ टेस्ट। ये हमारे ऑर्गन ऑफ टेस्ट एंटीना में वर्क करते हैं कॉकरोचेस में। फिर हमारा थर्ड आता है फंक्शन इसका, सो स्ट्यूलेटोरियल ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, मींस साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, वो बिलोंग करते हैं, मींस इसके एग्जांपल जैसे हम देखें तो वो बिलोंग करते हैं ऑर्डर कोलियोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा। एग्जांपल क्रिकेट्स हो जाएगा। फिर हमारा अगला फंक्शन है इसका कॉर्डोटोनल ऑर्गन्स। कॉर्डोटोनल ऑर्गन्स मीन्स होते हैं हमारे द हियरिंग ऑर्गन्स। हियरिंग ऑर्गन्स को हम लोग जॉन्स्टन ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं। वो हमारे सिचुएटेड होते हैं सेकंड सेगमेंट पेडिसल, जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं पेडिसल ऑफ एंटीना। अब इसके एग्जांपल होंगे हमारे मेल मॉस्किटो, ग्रीन बॉटल फ्लाई एंड पेपर वास्प। देन हमारा नेक्स्ट फंक्शन होता है एंटीना का, जो कि होता है सेक्शुअल कैरेक्टर्स। अब कई सारे हमारे इंसेक्ट्स में वो सेक्शुअल कैरेक्टर्स की तरह भी परफॉर्म करता है, लाइक मॉस्किटो में हमारा हो जाएगा। फिर इसके कुछ अदर फंक्शंस जैसे हम देख लें तो इन सम लार्वे द एंटीने आर अडेप्टेड फॉर सीजिंग द प्रे, लाइक एग्जांपल कॉब्रस, वाइल इन अदर इंसेक्ट दे आर यूज्ड फॉर होल्डिंग द फीमेल्स। ऑलराइट। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ एंटीना जो हमारे ये भी कई टाइप्स के हैं, जैसे 16 टाइप्स के। अभी हम एंटीना के बारे में जानेंगे जैसे, और किस बेसिस पे इनको मॉडिफाई किया गया है, मीन्स कि हम इसको कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, स्ट्रक्चर। दे एंटीना मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। सो फर्स्ट वन इज हमारा जो फर्स्ट वन है वो हमारा है सिटैसियस। तो सिटैसियस में हम देखेंगे कि ये सिटैसियस जो एंटीनीज होते हैं ये हमारे ब्रिसल लाइक एंटीनी होते हैं, और इनके एग्जांपल्स में अगर हम देखें कि ये किस किस में किस में पाए जाते हैं, किस ऑर्डर में पाए जाते हैं इंसेक्ट के, तो ऑर्डर कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा। और एग्जांपल्स में अगर हम नेम की बात करें तो ये कॉकरोच और क्रिकेट्स में पाए जाते हैं हमारे। और यह सिटैसियस एंटीनी का फिगर हमारा, ये हम लोगों जैसे हम लोगों ने बात की ब्रिसल लाइक है, मीन्स झाड़ू की सीख जैसी होती है उस टाइप की है ये सिटैसियस। फिर अगला हमारा होता है फिलीफॉर्म। ये फिलीफॉर्म किस टाइप का होता है, ये थ्रेड लाइक एंटीनी होते हैं और ये हमारे ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा में पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर्स में और ग्राउंड बीटल्स में पाए जाते हैं। और यह है हमारा फिगर फिलीफॉर्म एंटीनी का, जो कि हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे जो ग्रास हॉपर्स में पाए जाते हैं। फिर अब हमारा नेक्स्ट आता है मोनिलीफॉर्म। ऑल सेगमेंट्स ऑफ दिस एंटीनी आर ग्लोब्यूलर, ये ग्लोब्यूलर रहते हैं। ग्लोब्यूलर इन शेप मीन्स द सर्कुलर शेप हम लोग कह सकते हैं, ग्लोब्यूलर लाइक सर्कुलर शेप। और द यूनिफॉर्म थिकनेस के रहते हैं। और इनके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो ये ऑर्डर आइसोप्टेरा, कोलियोप्टेरा में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल टर्माइट्स में, जैसे कि टर्माइट्स में पाए जाते हैं। ये रहा हमारा मोनिलीफॉर्म एंटीनी का स्ट्रक्चर फिगर, ये हमारे टर्माइट्स में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप हमारा आता है सेरेट एंटीनी। This is a saw-like structure antennae in which the segment is more or less triangular and projected one of the direction like trees of the saw। ये हमारा saw-like होता है। For example order Coleoptera में पाए जाते हैं। For example इसका example हम लोग देखेंगे तो वो pulse beetle पाई जाएगी, pulse beetle। ये रहा हमारा serrate antennae का structure। आइए हम next type के मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा पैक्टिनेट है। पैक्टिनेट इज़ अ कॉम लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। और एग्जांपल्स में देखें तो ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा मोस्ट में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सुगर के रूट बोरर में ये पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारे पैक्टिनेट का, पैक्टिनेट एंटीनी, जो कि हमारी सुगर के रूट बोरर में पाई जाती है। और ये कॉम लाइक स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, इसके जो स्पाइक्स हैं वो कॉम के टाइप के हैं, इसीलिए हम लोग इसे कॉम लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बाईपैक्टिनेट। ये बाईपैक्टिनेट भी सेम टू सेम पैक्टिनेट के जैसे होता है, बस इसमें सिर्फ चेंज इतना है कि इसमें बोथ साइड होते हैं, बोथ साइड जो हमारे लॉन्ग प्रोजेक्शंस रहेंगे वो बोथ साइड रहेंगे, कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स। ये हमारा ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में पाया जाएगा, फॉर एग्जांपल सिल्क मोथ में। ये रहा हमारा फिगर बाईपैक्टिनेट एंटीनी का, जो कि हमने देखा, जैसा कि हमने ये जाना है कि ये सेम टू सेम पैक्टिनेट के जैसे होता है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें बोथ साइड होते हैं, बोथ साइड लॉन्ग प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है फ्लैबलेट। अब फ्लैबलेट में क्या होता है, दिस इज अ कॉम लाइक एंटीना इन विच द प्रोजेक्शंस ऑफ द सम सेगमेंट्स बिकम लॉन्ग एंड फॉर्म अ फेदर फोल्डिंग फैन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज। इसमें हमारा ये हाईलाइट करने लायक है कि जैसे हमने इसमें जाना कि ये फोल्डिंग फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, फोल्डिंग फैन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फ्लैबेला। फोल्डिंग फैन लाइक स्ट्रक्चर है, इसी वजह से इसे हम लोग फ्लैबेला कहते हैं। अब फैन को अगर हम रिलेट करें तो ये हमारे माइंड में इजीली सेटअप हो जाएगा, ये फैन से फ्लैबेला आया, फोल्डिंग फैन से फ्लैबेला आया। द फ्लैजुलम सीम्स टू बी लॉस्ट विद द स्ट्रक्चर, एग्जांपल ऑर्डर स्ट्रेप्सिप्टेरा एंड कोलियोप्टेरा सीडर बीटल। अब इसका हम लोग फिगर देख लेते हैं किस टाइप का होता है। ये हमारा फिगर फ्लैबलेट का, फोल्डिंग फैन लाइक स्ट्रक्चर हमने इसको देखा, हमने इसके बारे में जाना। फ्लैबेला को हम रिलेट कर सकते हैं फोल्डिंग फैन लाइक स्ट्रक्चर से। हमारा नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन, जो कि हमारा प्लूमोस है। Plumos क्या होता है, इन सच टाइप ऑफ एंटीना द होल्स ऑफ द हेयर अराइज फ्रॉम द जॉइंट ऑफ ईच सेगमेंट एंड लुक लाइक प्लूमो, प्लूम। एग्जाम्पल इसका हम देखें तो ऑर्डर डिप्टेरा मॉस्किटो में पाया जाता है। इसमें भी एक चीज़ हाईलाइट करने लायक है कि ये प्लूम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से हम इसे प्लूमोस कहते हैं। और ये हमारा इसका एग्जाम्पल है डिप्टेरा, डिप्टेरा ऑर्डर का मेल मॉस्किटो। आइए अब हम इसका फिगर भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा फिगर प्लूमोस का, प्लूमोस एंटीनी टाइप है, ये हमारा प्लूम लाइक स्ट्रक्चर है और ये ऑर्डर डिप्टेरा में पाया जाता है, मेल मॉस्किटो में। नेक्स्ट टाइप का हमारा एंटीनी मॉडिफिकेशन में आता है होल्ड। सो अब इस होल्ड में हम क्या देखेंगे, दीज आर बेसिकली थ्री सिटैसियस, फिलीफॉर्म एंड मोनिलीफॉर्म टाइप ऑफ एंटीनी इन विच देयर इज अ होल ऑफ ब्रिसल एट एवरी जॉइंट। एग्जाम्पल ऑर्डर हैमेप्टेरा, मेल ऑफ मैंगो मियालीबग। ओके, अब हम लोग इसका फिगर भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा फिगर होल्ड इंसेक्ट एंटीनी टाइप का। नेक्स्ट टाइप का हमारा इंसेक्ट एंटीनी मॉडिफिकेशन है क्लैवेट। दीज आर क्लब शेप्ड, क्लब शेप्ड है तो क्लैवेट है, क्लब शेप्ड, क्लैवेट आप लोग रिलेट कर सकते हैं। एंटीनी इन विच द सेगमेंट्स बिकम ग्रेजुअली ब्रॉडर टुवर्ड्स द टिप एट द लास्ट सेगमेंट फाइनली एंडिंग इनटू अ राउंड कोर। और अब इसका एग्जांपल देखें तो ऑर्डर कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, लाइक फॉर एग्जांपल बटरफ्लाईज। बटरफ्लाईज हमारी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के अंडर में आती हैं। आइए अब हम लोग इसका फिगर देख लेते हैं। ये रहा हमारा फिगर, क्लैवेट क्लब टाइप का इंसेक्ट एंटीनी मॉडिफिकेशन है हमारा। अब नेक्स्ट हमारा आता है इंसेक्ट मॉडिफिकेशन कैपिटेट। इन दिस टाइप ऑफ एंटीना द टर्मिनल सेगमेंट ऑफ द सेगमेंट्स और सेगमेंट्स फॉर्म अ लार्ज नॉब और कैप। इसमें जो हमारा टर्मिनल रीजन होगा वहाँ पर एक लार्ज नॉब या कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं लाइक ऑर्डर कोलियोप्टेरा एंड लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में हमने देखा ऊपर वाले में, जैसे क्लैवेट में हमने बटरफ्लाईज देखा, तो लेपिडोप्टेरा में सिर्फ एक ही नहीं कई सारे इंसेक्ट बिलोंग कर सकते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल नेक्रोबिया का एग्जांपल दिया गया है। आइए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि कैपिटेट में हम लोग बात करेंगे कैपिटेट इंसेक्ट एंटीनी मॉडिफिकेशन का। तो कैपिटेट हमारा कैप लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर टर्मिनल रीजंस में। अब नेक्स्ट हमारा है जैसे लैमेलेट। अब लैमेलेट में क्या है, दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ कैपिटेट। ये मॉडिफिकेशन हमारा कैपिटेट एंटीनी का है। इन विच द टर्मिनल सेगमेंट्स इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ नॉब एंड एक्सटेंडेड आर एक्सटेंडेड ऑन द साइड टू फॉर्म ब्रॉड लीफ लाइक प्लेट। एग्जांपल ऑर्डर कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा ऑर्डर में एग्जांपल हम देखें उसका फर्दर कौन सा इंसेक्ट है, तो स्कैराबेड बीटल्स। अब इसका हम लोग फिगर भी देख लेते हैं तो जिससे हमें और हमारा लैमेलेट इंसेक्ट मॉडिफिकेशन का स्ट्रक्चर ये है। ये हमारा इस टाइप का होता है लैमेलेट। हमारा नेक्स्ट है 13 टाइप का इंसेक्ट एंटीनी मॉडिफिकेशन जो कि है जेनिकुलेट। जेनिकुलेट में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एंटीनी द फर्स्ट सेगमेंट इज केप इज लॉन्ग, सेकेंड इज वन इज पेडिसल विच इज शॉर्ट, एंड फ्लैजुलम इज मेड ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स विच आर बेंट ऑन द स्केप जस्ट लाइक बेंट नी। और एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में हनी बीज। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमारा इंसेक्ट का जो एंटीनी है वो मॉडिफाई हो रहा है। उसके 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, स्केप है, पेडिसल है और द फ्लैजुलम है। सो उस टाइप का जो हमारा इंसेक्ट है वो हमारे जेनिकुलेट में ईजिली विजिबल है। सो अब हम लोग इसका फिगर भी देख लेते हैं जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए कि किस टाइप का होता है। तो ये हमारा जेनिकुलेट। जेनिकुलेट में अब जैसे हमने देखा कि ये हमारा फर्स्ट वन है स्केप जो कि एक लॉन्ग है, लॉन्ग स्ट्रक्चर लाइक है। फिर सेकंड हमारा पेडिसल जो कि थोड़ा शॉर्ट है, और फ्लैजुलम, ये हमारा फ्लैजुलम है जो कि कई सारे सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे जेनिकुलेट टाइप का है ये हमारा। अब आता है हमारा 14 टाइप एरिस्टेट जो होता है। एरिस्टेट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एंटीनी इज 3 सेगमेंटेड इन विच फर्स्ट सेगमेंट इज स्केप, सेकंड इज स्मॉलर एंड ब्रॉडर, एंड सेकंड पेडिसल इज लॉन्गर in the first, the flagellum is longer than both the segments. Both the segments हमारे longer होंगे flagellum, and bears a heavy bristle known as arista. इसमें हमारे arista जो हमारे होंगे, bristle जो होंगे हमारे arista होंगे, इसीलिए हम लोग इसे aristate कहते हैं। और इसका example अगर हम देखें तो order हमारा डिप्टेरा का housefly है हमारे इसका example। अब हम लोग इसका figure देख लेते हैं तो हमको इससे और क्लियर हो जाए ये किस टाइप। तो ये हमारा एरिस्टेट टाइप का इंसेक्ट एंटीनी मॉडिफिकेशन। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ये बेसल पार्ट हमारा स्केप है जो कि शॉर्टर है, सेकंड वन इज द पेडिसल जो कि थोड़ा लंबा है, और ये हमारे फ्लैजुलम्स हैं जो कि कई सारे सेगमेंट से मिलकर के बने हुए हैं। और इसका एग्जांपल हमारा हाउसफ्लाई डिप्टेरा ऑर्डर। तो हमारे सेकंड लास्ट टाइप का इंसेक्ट एंटीनी मॉडिफिकेशन है स्टाइलेट। इन दिस एंटीनी the last segment of flagellum is modified into a long bristle। इसमें जो हमारा last segment of flagellum होगा वो हमारा long bristle type का होगा known as style, जिसे हम style कहेंगे। अब style कहा जाता है, इसी वजह से हम उसे stylet कहेंगे। stylet type में आएगा वो insect modification का एंटीनी। और इसका example हमारा डिप्टेरा ऑर्डर का स्नाइप फ्लाई। तो अब हम इसका फिगर देखेंगे so that ये हमारा और क्लियर हो जाए ये किस। तो ये है हमारा स्टाइलेट टाइप का जो कि हमारा ऑर्डर डिप्टेरा में पाया जाता है, स्नाइप फ्लाई में। और ये हमारे स्टाइल्स हैं, तो हमारे स्टाइल्स। ऑलराइट। एंड हमारा लास्ट वन जो कि हमारा 16 टाइप का है, फेजीफॉर्म. द बेसल एंड डिस्टल सेगमेंट्स ऑफ दिस एंटेना आर स्मॉलर एंड थिन वाइल मिडल सेगमेंट्स आर लार्जर जस्ट लाइक अ रेडिश. The last segment is modified into a hook-like structure. जो हमारा last segment वो हमारा hook-like structure के shape में modify होता है. It appears like a keel of a boar from lower side. Example हमारा इसका Lepidoptera order का Springate mode. So guys, आज के हमारी video lecture में बस इतना ही. अगर आपको हमारी video पसंद आई तो like, share, comment and subscribe करें हमारे channel को. And thank you for today.